नमस्कार। आप सभी को आचार्य पूरन तिवारी का करजोड़ अभिवादन। नमस्कार। आज हम महाशिवरात्रि पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष भगवान शिव का यह विशेष पर्व 18 फरवरी को यानी कि शनिवार के दिन आ रहा है। भगवान शिव की आराधना यूँ तो वैसे ही बहुत सारे फल देने वाली है, लेकिन महाशिवरात्रि भगवान शिव का विशेष पर्व है। इस दिन किया गया भगवान शिव का आराधन मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फलों को देता है, अनेक प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन है। इसलिए जब आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करें तो भगवान शिव का किस प्रकार से दिन भर अर्चन वंदन करें जिससे कि हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, उसी पर चर्चा करेंगे हम आने वाले 11 दिनों में। आज का दिवस हम चर्चा करते हैं भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले जल की। जल जीवन है और भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कांवर में जल लेकर भगवान शिव की आराधना के लिए निकल पड़ता है। भगवान शिव के लिए गंगा तालाब तक की यात्रा या फिर आपके आसपास जो भी तीर्थ नदियां हैं उनसे जल लेकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। और जल जब भगवान शिव को हल्की हल्की धारा से अर्पण किया जाता है तो भगवान आशुतोष शिव माँ जगज्जननी जगदम्बिका पार्वती के साथ मनुष्य को बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए जब आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो हल्की हल्की धारा से पतली धारा के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान शिव का अभिषेक अनेक प्रकार के फलों को देने वाला है। और जो व्यक्ति अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करता है फिर उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को महाशिवरात्रि में भगवान शिव का जलाभिषेक तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे पूर्व जब हम भगवान शिव के लिए जल लेने जाएं, जब हम भगवान शिव के लिए जल भरने के लिए गंगा तालाब की यात्रा करें तो उसमें तन मन और वस्त्रों की पवित्रता का निश्चित रूप से ख्याल रखें, क्योंकि जब जल भरा जाए तब मन पवित्र हो और जब यात्रा किया जाए तो तन पवित्र हो, क्योंकि शुद्ध जल शुद्धतापूर्वक लाया जाए और फिर भगवान शिव को अर्पण किया जाए तो भगवान आशुतोष शिव आपके मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव को जल से प्रिय संसार में कोई और वस्तु नहीं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जल ही जीवन है। हम भगवान शिव को सिर्फ जल नहीं चढ़ाते अपितु भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष महादेव शिव, आपको किया गया यह जल अर्पण, हम अपने जीवन रूपी जल को आपको अर्पण कर रहे हैं। आप हमें सौभाग्य प्रदान करें, आप हमें ऊर्जा प्रदान करें। जिस प्रकार से कितना ही थका हुआ व्यक्ति जब स्नान कर लेता है, जल से भीग जाता है, तो उसके जीवन की सारी थकान मिट जाती है, वह तरोताजा हो जाता है। उसी प्रकार आपके द्वारा श्रम पूर्वक लाया गया गंगा जल, आपके द्वारा पवित्रता के साथ लाया गया गंगा जल भगवान शिव को अर्पण किए जाने से जीवन के सारे ताप सारे संताप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शिव भक्तों, इस बात का विशेष ख्याल रखो कि जब आप भगवान शिव के लिए गंगा तालाब से जल भरो तो तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो और हमारा व्यवहार भी पवित्र हो। इस प्रकार से की गई गंगा तालाब की यात्रा आपके द्वारा लाए गए जल को भगवान शिव के योग्य बना देगी, और जो जल भगवान शिव के योग्य होगा और आप उसे नमः शिवाय इस मंत्र के साथ भगवान शिव को अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज का यह विषय जल हम भगवान शिव को अर्पण करें। कल मैं चर्चा करूंगा कि जो व्यक्ति जो बच्चे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके जीवन में शिक्षा चाहिए, वो किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।
Thank you.